Assalamualaikum, this is Chef Deepu Imran from Kotham Johor Town और आज हम यहाँ पे जो है वर्ल्ड सैंडविच डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इतने खूबसूरत चेहरे, ये सारे जो है ये हमारे आज के वो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी यहाँ पे सैंडविच डिफरेंट किस्म के बनाएंगे, उस कॉम्पिटिशन में जो है ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो गौतम जौहर टाउन की तरफ से मेरे तमाम सैंडविचेस को सैंडविच मुबारक, सैंडविच डे मुबारक। और अभी हम काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी? यस। ओके, 10 डिस्प्ले पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। आइए बच्चों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कौन कौन से सैंडविचेस बनाए हैं और कैसे बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका गुड नेम? ईशा। आपने कौन सा सैंडविच बनाया है, इसका नाम बताएं। क्लब सैंडविच। इसके बारे में कुछ बताएं। सिंपल सैंडविच है जो आम रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल होता है, बट थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है तो उससे अलग टेस्ट आ सकता है। अपने ये सैंडविच का नाम बताएं। मेरे सैंडविच नाम क्रोसान सैंडविच है। अपने सैंडविच के बारे में कुछ डिटेल्स। इसमें मैंने क्रोसांट यूज़ किया है, ये फ्रेंच एक पेटिसरी की आइटम है, और इसमें मैंने चिकन यूज़ किया है, ग्रिल्ड चिकन, और चीज़ यूज़ किया है चेडर चीज़, और साथ में लेटस, टोमेटोस एंड स्पेशल सॉस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका गुड नेम? अनीस। अपने सैंडविचेस का नाम बताएं। सब सैंडविच। और इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी बताएं। इसके अंदर चिकन डाला हुआ है, साथ ऑलिव ऑयल है इसके ब्रेड के ऊपर लगाया है, उसके अलावा इसमें कैबेज है, साथ इसमें कोकम्बर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका गुड नेम? मेरा शहजाद। अपने सैंडविचेस का नाम बताएं। मायोनीज सैंडविच। इसकी रेसिपी के बारे में कुछ बताएं। इसकी सारी मिक्सचर्स हैं वेजिटेबल्स, इसमें खीरा मैंने ऑन किया है और टमाटर हैं, मायोनीज है क्योंकि ये बेसिकली नेम ही मायोनीज है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका गुड नेम? अफान। अपने सैंडविचेस का नाम बताएं। चिकन ग्रिल सैंडविच। इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताएं। ये बेसिकली चिकन ग्रिल सैंडविच है, ये फ्रॉम फ्रांस है, इंस्पायर्ड, ठीक है ना। इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा अपना पाकिस्तानी टच दिया और सॉस बनाई है स्पेशल इसके साथ। क्या पाकिस्तानी टच दिया आपने इसके अंदर? इसके अंदर ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स वगैरह डाली हैं, जो ओरिजिनल ग्रिल होता है उसमें सिर्फ ग्रिल अनियन होता है और ये होता है, मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल करके और एग बॉइल डाला है इसमें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका गुड नेम? फरहीन रोहेल। आपने कौन सा सैंडविच बनाया?
मैंने बनाया टिक्का सैंडविच। सैंडविच के बारे में कोई डिटेल्स देंगी? सैंडविच बहुत हेल्दी फूड होता है, हम लोग एग वेजिटेबल और बीफ वगैरह का सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। और सैंडविच अब तो बहुत आम हो गया, सब खाते हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी सैंडविच जाना शुरू हो गया है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं नेस्ले की एग्जीक्यूटिव शेफ़, जिन्होंने आज गौतम जौहर टाउन में होने वाली सैंडविच कंपटीशन को जज किया है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आज गौतम जौहर टाउन में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ओवरऑल जौहर टाउन में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए रहा क्योंकि एक मैंने यंग यूथ को काम करते हुए देखा, उनको काफ़ी इंकरेजमेंट उनको मिली और ऊपर से इन्होंने बड़े डिफरेंट टेक्सचर्स और चीज़ों के साथ, इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स एंड मैच करके अच्छे कॉम्बिनेशन बनाए हुए थे विच वर ऑल्सो इंस्पिरेशनल। और आई थिंक इफ दे कीप ऑन गोइंग ऑन लाइक दिस दे कैन रीच हाई गोल्स। और आप न्यू स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे, कुछ कोई मैसेज देंगे उनको? बिल्कुल, न्यू स्टूडेंट्स को ये एक मैसेज दूंगी कि कीप फेथ इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड देन यू कैन मतलब यू कैन गो वेरी हाई। इट्स जस्ट यू शुड बी मोर मोटिवेशनल और वर्क हार्ड, दिस इज़ द ओनली थिंग विच कैन मेक यू गो वेरी लॉन्ग विद द पाथ। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैंडविच कंपटीशन का अख्तिताम हुआ, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपनी होस्ट तहरीन गुल को दे इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।